जय भीम, नमोदाय, संगम नमामि सभी साथियों को। तथागत बुद्ध का एक कम्म विपाक सिद्धांत है, हम सब जी जानते हैं। तथागत बुद्ध कम्म विपाक सिद्धांत में कहते हैं कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं और वो सोचकर जो हम आत्मसात करते हैं और उसके ऊपर कृति करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ये बात इसीलिए जरूरी है कि बुद्ध ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई असल में सोच की लड़ाई है। हम जितनी गहराई से सोच को अपने जीवन में उतारेंगे, उतने ही हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, और जितने हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे उतनी हमारी कृतियां परिवर्तन लाएगी। तो ये सिद्धांत अगर देखते हैं हम लोग, तो पिछले 2500 साल के इतिहास में हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो संघ की रचना फिर से नए तरीके से की थी, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, उसको विनय कहा था, और वही विनय के आधार पर फिर सम्राट अशोक के शासन के रूल बन गए थे। तो भगवान बुद्ध ने जो आचार संहिता बनाई उसको सम्राट अशोक ने अपने कानून में डाल दिया और उसका आचरण किया। तो ये भारत जो जम्बूद्वीप जो बना था, आज के भारत से करीब 2-2.5 गुना बड़ा भारत जम्बूद्वीप उस वक्त बन गया था। और उस भारत के राजकाल में हम राजा भी थे, हम शासन भी चलाते थे, हम शिक्षा भी देते थे, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी थी। करीब सिर्फ अकेले सम्राट अशोक के जमाने में करीब करीब 42 यूनिवर्सिटी शुरू होती है, ऐसा इतिहास कहता है। बाद में सम्राट हर्षवर्धन के तक उसकी संख्या 100 तक चली गई थी। इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध ने जो एक कम्म विपाक की थ्योरी जो बताई है, उसके ऊपर अगर गहराई से हम लोगों ने आचरण करना शुरू कर दिया तो हमें हमारे बीच में परिवर्तन लाना बहुत आसान होता है। ये बात इतिहास में हुई थी, ये इसलिए बताया जाता है इतिहास कि हम लोग जो है अगर कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। तो यही बात को पकड़ के बाबा साहब ने पिछले 2500-2500 साल का इतिहास पढ़ा, उसके ऊपर गहराई से चिंतन किया। और सबसे पहली बात अगर इम्पोर्टेंट क्या कही तो बाबा साहब ने कहा कि हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, तो जागृति का अग्नि जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। हम लोग जितने जागरूक रहेंगे, अपने एक दूसरे को जागरूक करते जाएंगे, उतने हम लोग सजग रहेंगे और उतने हम कृतिशील रहेंगे, और जितने हम कृतिशील रहेंगे उतने हम परिणाम कर पाएंगे, परिणाम को हम अपनाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज अगर क्या है तो विचारों का परिवर्तन हुए बगैर हम आचरण में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन, विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। अगर हम विचारों को प्रचारित और प्रसारित करेंगे तो वो विचार जो है अगली जनरेशन को हम हैंडओवर कर सकते हैं। और विचारों की श्रृंखला अगर बनती है तो हमें हमारा एनालिसिस करते आता है कि क्या हम लोग प्रगति कर पाए हैं या पीछे आए हैं। तो ये बात अगर पिछले 70 साल से अगर हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो बाबा साहब ने हमको इस मोड़ पर लाया था। आज वकीलों का दिन है, वकील लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज के बारे में, और अभी अभी अभिषेक राज सिंह सर ने बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट रखा, उसमें हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स है, और हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। इन बातों का जब तक हम लोग आचरण नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये 2-3 निचोड़ में बातें बाबा साहब ने जो कही है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो ये है कि जो संविधान कितना भी अच्छा हो उसका तुम पालन अगर ठीक से नहीं करते हो, आचरण अगर नहीं करते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यही बात हम लोग पिछले 70 साल से भूल गए थे। बाबा साहब ने हमको संविधान के माध्यम से और सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और कल्चरल रेवोल्यूशन के माध्यम से हमको 2500 साल का अंतर सिर्फ 30-40 साल में
पार करने की ताकत दी थी। 1950 में 26 जनवरी को जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ तब हम लोग कानूनन इक्वालिटी के तौर पर आए थे, लेकिन वो जरूरत थी कि वो कानूनन इक्वालिटी थी, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी, उसको हमने सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना था। 70 साल से हम लोग इसके पीछे पीछे क्यों रह गए, अगर ये गहराई से अगर हम सोचते हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा इकट्ठा नहीं होना, एक जगह पर आकर संघर्ष नहीं करना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना। यही कारण है कि पिछले 70 साल में जितनी आजादी हमको मिली थी, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा अगर निचोड़ क्या है तो बाबा साहब कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, आजादी की स्वतंत्रता, मतलब चुनाव की स्वतंत्रता, हम क्या चुनेंगे, क्या हम वकील होना चाहते हैं या डॉक्टर होना चाहते हैं, इंजीनियर होना चाहते हैं या पॉलिटिशियन होना चाहते हैं, ये आजादी हमको संविधान ने दी थी। लेकिन पिछले 70 साल के हमारे इकट्ठा नहीं होने की वजह से हमने ये आजादी जो हमने हमको मिलनी चाहिए थी, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना चाहिए था, वो हम लोग अभी नहीं पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि 2018-19 में जो CAA और NRC का जो कानून बना उसने अभी अलिखित तरीके से इस देश में एक नेचर पैदा किया है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई एक औरत किसी धर्म के खिलाफ बात करती है तो उसके खिलाफ 150 FIR दर्ज होते हैं, लेकिन उसको कोई अटक नहीं करता, उसको कोई सलाखों के पीछे नहीं लेके जाता, उसको मिलती नहीं है, और उसकी प्रतिक्रिया का समर्थन करने वालों की अगर हत्या हो जाती है और जो हत्या करता है या नहीं करता है उसको जेल हो जाती है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग डबल सिटीजनशिप में आए हुए हैं, इसका हमको पता है या नहीं है ये हमको विचारों के प्रचार और प्रसार से ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये काम करेगा कौन, तो बाबा साहब कहते हैं कि ये काम तो है इंटेलेक्चुअल लोगों का, इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो प्रभावशाली वर्ग होता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर बुद्धिजीवी वर्ग अपना कर्तव्य भूल जाता है तो वो अपनी स्वतंत्रता को खुद ही खो देता है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हम लोग हमारे हाथ से हमारी स्वतंत्रता को खो देंगे तो तैयार रहना गुलाम बनने के लिए, फिर ये नहीं कहना कि हम गुलाम कैसे बने। बाबा साहब कहते हैं कि हमारी गुलामी के जड़ों को हमने ही ज्यादा मजबूत होने दिया और आज गुलामी को हम लोग सहते आए हैं, इसका कारण और कोई दूसरा नहीं होता, हम खुद होते हैं। तो ये हम होता कैसे, ये इसीलिए होता है कि हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते और हमारे ईगोज इतने बड़े हो जाते हैं कि किसी ने कुछ बात कह दी तो उसका हमको गुस्सा आ जाता है, किसी ने हमको भला बुरा कुछ कह दिया, नहीं भी किया तो उस आदमी के नाम से कुछ तो भी पोस्ट क्रिएट की जाती है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की जाती है और फिर हम लोग एक दूसरों से बिखरते जाते हैं। ऐसा ही हम पिछले 70 साल में करते आए हैं। हम इकट्ठा होने की चाह तो रखते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के लिए कौन सी कृति करनी चाहिए इसके ऊपर हम गंभीरता से नहीं सोचते हैं और गंभीरता से उसके ऊपर आचरण नहीं करते, इसीलिए हम लोग दिन ब दिन बिखरते जा रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज एक ही है कि हम लोग इकट्ठा क्यों नहीं हुए, इसके विचारों पे हमने गहन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके ऊपर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करनी चाहिए। हम लोग अगर स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग अगर तैयार करेंगे तो हम हमारा भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, वरना हमारी आने वाली जनरेशन को हम कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा एक चर्चा में हम रिजल्ट या फिर परिणाम पाते हैं। तो इसीलिए वी द पीपल समन संघ पिछले 13 महीने से इकट्ठा हो रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, उसमें से जिसको ये बात पसंद नहीं आती वो निकल जाता है, फिर पसंद आती वो सोचता है कि मैंने गलती कर दी, क्यों ना मैं फिर से वापस आ जाऊं। तो यही बात के ऊपर हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको इकट्ठा होने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम लोग ये विचारों का परिवर्तन और विचारों की जो लेगेसी है वो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं ले जाएंगे, और हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात हमको गहराई से सोचनी चाहिए, इसके ऊपर हमने आगाह करना चाहिए। तो
इसके लिए एक ही इलाज है कि मैं अपना सारा कुछ छोड़कर, भूलकर, और खासकर जो लोग बुद्धिजीवी है, जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, जो बाबा साहब के जो अधिकार हमको मिले हैं, चाहे रिजर्वेशन के पॉलिसी से हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हो, चाहे अपने कानूनन अधिकारों से हो, उन लोगों ने गंभीरता से अगर सोचा तो वो लोग सोचेंगे कि मैं मेरा बचा हुआ जीवन सारा का सारा मैं समाज के प्रति समर्पित कर दूं, और ऐसे संघ के प्रति मैं समर्पित कर दूं कि जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, लोगों को जोड़कर कुछ अच्छा हिसाब है, कुछ अच्छा नैतिक जीवन है, उसको जीने के लिए कुछ करने की चाह रखता है, ऐसा संघ उसके साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने गंभीरता से सोचना चाहिए। इसीलिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है, और हमको जीतना भी है। हम लोग जुड़ने के बगैर जीत नहीं सकते। जितने हम ज्यादा ताकत से जुड़ेंगे, उतनी ही फोर्स हमारी जुड़ने की और उतने ही परिणाम हमारे रिजल्ट के आ जाएंगे। इतना ही कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, संघम नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.